जनपद के कोड़ीराम विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय महापौर में स्कूल के अध्यापक के द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई तो मामला सही पाया गया, जिस पर बीएसए ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शेष आरोपी शिक्षकों के खिलाफ जांच कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने बताया। मास्टर जन पढ़ावे हम ना जान जी। मेरा नाम है सोनी कुमार और बारी बच्ची पढ़ती है। मामला ये है कि यहाँ के जो मतलब हेडमास्टर हैं वो काफ़ी दिन से बच्चियों का शोषण कर रहे थे, और ये मामला तब मतलब जनता के सामने हम लोग के सामने तब आया जब बच्ची घर पे जाके बोल रही है कि हम यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। तो उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश किए हैं, तो उसके बाद से फिर हम लोग उससे पूछे हैं बच्ची से यहाँ पे लाके, तो वो बोल लिया कि ऐसा है कि ये सर हम लोग को बुला के और चॉकलेट वोकलेट देते हैं और मोबाइल वाइल चालू करते हैं, कार्टून वार्टून दिखाते हैं, फिर प्लस उल्टा सीधा हरकत करते हैं बच्ची को, और उसके बाद से बुरी तरीके से इन लोग का शोषण किया जाता है। तो ये मामला शनिवार को जाके पूरा खुला है। तो हम लोग उनसे जो यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं उनसे बातचीत किए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर उचित कार्रवाई की है, फिर बीएसओ और अदरवाइज जो भी उन लोग से बताए हमने इन्फॉर्म किया। संज्ञान में आया, हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा भी था और उनकी रिपोर्ट जैसे ही आती है उसे कार्रवाई कर देंगे। और जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया उसमें प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं, जिनके निलंबन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। शेष और लोगों के लिए उनकी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ नहीं, प्रथम दृष्टया तो दोषी पाए गए वहाँ के हेडमास्टर, तो उनके निलंबन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अन्य लोगों का जब रिपोर्ट आ जाएगी तब करेंगे।